मनोज सिंह पवार। एक बार फिर से जो है आपका एम एस पवार ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं पिथौरागढ़ में हूँ, फिर पिथौरागढ़ से अभी हम लोग जो है चंडाक जा रहे हैं, तो ऊपर जाएंगे, देखते हैं कि वीडियो में जो जो चीज़ें होंगी उन चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा क्या क्या ऐतिहासिक है पर्यटन स्थल। एक बार फिर से भाई जी के साथ मैं जा रहा हूँ, आगे रोड ट्रैवल कर रहे हैं हम चंडाक की ओर, तो आप लोगों को दिखाते हैं खूबसूरत दृश्य। और मौसम ने भी काफ़ी अच्छा साथ दिया है। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ अल्मोड़ा की जेल, तो देखिए यहाँ पे जो है पिथौरागढ़ का आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ ये जेल का निर्माण हो रहा है, अभी आपको आगे से दिखाया जाएगा। तो दोस्तों देख रहे हैं आप लोगों को, ये दीवार देख रहे होंगे आप लोग सामने, आप लोग देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी दीवार। इससे पहले आप लोगों को जो है अल्मोड़ा की ऐतिहासिक जेल दिखा चुका हूँ, यहाँ पर जो है पिथौरागढ़ में भी जो है नए जेल का निर्माण हो रहा है। पिथौरागढ़ से अगर चंडाक की ओर आप जो है खूबसूरत हिल स्टेशन यहाँ देखने आते थे, लगभग पिथौरागढ़ से 6-7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जो है चंडाक आता है, और आप जो है खूबसूरत नेचर ट्रेल का जो है मज़ा ले सकते हैं। अभी आपको दिखाने वाले ऐसे, देखिए इधर पे आप लोगों ने देखा भी होगा, फेमस जैसे पिथौरागढ़ का जिक्र आता है तो इसका जिक्र भी आता ही है। अभी जैसे जैसे हम नज़दीक जा रहे हैं तो आप लोग देख रहे होंगे। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं हम लोग जो है, आप लोग देख रहे होंगे ये मैग्नीज फैक्ट्री, ये पूरा ये पिथौरागढ़ वाला एरिया है ना दोस्तों, यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो है मैग्नीज का भंडार है। ये एक टाइम पर ये फैक्ट्री लगी थी, अभी बंद पड़ी है। अभी उधर जाएंगे तो उस बारे में जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देख रहे हैं सामने पे इतना बड़ा पूरा संयंत्र लगा है, पूरा फैक्ट्री लगा है, अभी जो कि पूरा जंग लगा है। लगभग ये फैक्ट्री 1960-70 के दशक में यहाँ पे लगाया गया था, तब से लेके उसके बाद लगभग 90s या 2000 से पहले तक यहाँ पे पूरा उत्पादन किया जाता था मैग्नीज का। आप लोग देख रहे होंगे इतनी बड़ी बड़ी मोटी पाइप ये चीज़ें, तो उसके बाद आप लोग देखिए ये फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। जो ये फैक्ट्री ना दोस्तों, यहाँ पे जो पिथौरागढ़ के जूलॉजिकल या भूगर्भ वैज्ञानिक खड़क सिंह बल्दिया, तो उन्हीं के द्वारा इस एरिया में सर्वे करने पर यहाँ पर जो है बहुत बड़ी मात्रा में करोड़ों या मीट्रिक टन में जो है यहाँ पर मैग्नीज भंडार पाया गया है। और उसके बाद जो है यहाँ पे कितनी गवर्नमेंट आई, ये सरकार आई, उनके द्वारा संचालित किया गया, इस पर लोगों कंपनी फैक्ट्री के द्वारा लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमाए। उसके बाद यह है इसमें जो है बहुत बड़ा घोटाले ये चीज़ें होने लगी, और बाद में मजदूरों के जो है पैसा देना भी बहुत मुश्किल हो गया था। ये बंद करने का कारण है कि यहाँ पिथौरागढ़ की जो जागरूक जनता है उनने जान लिया था भाई कि इस एरिया से जितना भी है पूरा ज़मीन के अंदर से अगर मैग्नीज निकाला जाएगा तो पूरा क्षेत्र जो है ध्वस्त हो जाता, और इसका जो है उसके बाद शरण हो जाता, पूरा ज़मीन धस जाती है। उसके बाद आपको पता है भूस्खलन ये चीज़ें कितनी आपदाएं ये चीज़ें आती हैं, तो उस वजह से उसके बाद ये इसको बाद में परमानेंटली बंद करना पड़ा, नहीं तो इस वाले एरिया में पूरा जो भी है बहुत ही बड़ी मात्रा में जो है मैग्नीज का जो है भंडार है। अभी देखिए इतनी बड़ी बड़ी मोटी पाई, अभी जाते नीचे दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं उस ज़माने के 60-70 के दशक के, इसके कितने बड़े हेडलाइट होते होंगे ना ये भैया जी, देखो ये इतना आज के टाइम में इतना बड़ी हेडलाइट होता है ये नहीं होता ना आज के टाइम में, बहुत ही बड़ा देखिए अभी बैन। और इधर ही वो पुराना ये डंपर ऐसे पड़ा है, और दोस्तों देख रहे हैं इतना बड़ा विशाल काय यहाँ पूरा ये फैक्ट्री लगा है। अभी देखते हैं अंदर जाके कि आखिर अंदर क्या है, ज़्यादा तो हमको इस बारे में कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है कि किस टाइप का क्या टेक्नोलॉजी काम करती होगी, फिर भी देखते हैं इसके अवशेष। अभी देखिए इतना विशाल काय, इसका जो प्रोसेस होता होगा ना मशीन का, ये पानी देखिए इधर जाके ये पूरा जाके मशीन से नीचे ऊपर जब जाके बनाता होगा जो भी मैग्नीज। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं इतना बड़ा विशाल का, इतने मोटे मोटे पाइप है यहाँ पे, और ये देख रहे होंगे आप लोग, और यहाँ देखते हैं हम अंदर जाके, वो तो देखिए आप दोस्तों इतना पूरा विशाल का है। जैसा जो हुआ अच्छे के लिए अच्छा हुआ कि ये फैक्ट्री बन हुई, तो जो कि पिथौरागढ़ शहर बच गया भाई, क्यों देख रहा कितना डेंजर है, यूज बिल्कुल जाइंट बोलते हैं ना दोस्तों, बड़ा ऐसे ही ये चीज़ है। अभी तो देखिए ये पता नहीं ये पत्थर टाइप के हैं, इन्हीं से जो है जो रॉ कच्चा मैग्नीज होता है ना रॉ मटेरियल, उसको जो है प्योर फॉर्म में लाने के लिए छाने के लिए। देखिए इधर में कुछ तो अवशेष है आप लोग देख रहे होंगे, और ये और इधर एक इतना बड़ा देख रहे टैंक, ये मोटा मोटा पाए आप लोग देखिए यार क्या है ये दोस्तों। अभी तक चल रहा था ना ये फैक्ट्री,
शायद अभी तक जो है आधा पिथौरागढ़ पूरे खतरे में आ चुका होता। यार जैसे अभी नज़दीक आके देख रहा दोस्तों, मुझे तो पहले पता था कि इतना बड़ा विशाल काय फैक्ट्री क्यों भाई, इतना बड़ा विशाल हो सकता है। अभी तक देखे छोटी छोटी फैक्ट्रियां तो हमने देखे, कैसे ईंट के भट्टे होते हैं, ये चीज़ है। देखो ये तो पूरा दानव ही है दोस्तों, यार लगा ले ये तो चंडाक की साइड लगा है, तो पूरे पिथौरागढ़ को पूरा तरह से समाप्त करता। तो यहाँ यहाँ के लोगों के जागरूक होने से, यहाँ जवाबदेही होने से, उसके बाद जो है ये फैक्ट्री बंद करी गई। देखिए पूरे जो भी प्रोसेसिंग होगा था, ये पूरा ऊपर साइड नीचे मिट्टी या मैगनीज का जो भी अवशेष है, और टैंक प्रोसेसिंग भी किया कंपनी ने, इसमें जो है अरबों करोड़ों रुपया छाप रखा है। तो दोस्तों अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम ये चंडाक फैक्ट्री में है मैग्नेसाइट के, और इसी के नीचे पर जो है बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल है दोस्तों। अभी नेक्स्ट टाइम में आएंगे हम इधर पे और नहाएंगे और वीडियो भी बनाएंगे दोस्तों, लेकिन पानी बहुत कम है ना इसमें, बहुत कम डाल रखा है। देखिए दोस्तों इसे पूरा पूल की लंबाई में 100x25 का लगता है, 100 मीटर लंबा, 25 मीटर जो है इसकी चौड़ाई है दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे। ये है, ये चीज़ें भी हैं, ये हाल ही में बन रहा है, अभी भी मतलब बन ही रहा है ना पूरा, अभी तक हुआ नहीं है। हाँ वो तो बंद हो गया जो है, पिथौरागढ़ लगभग ख़त्म होने से बच गया दोस्तों। अब जाएंगे हम वहाँ, दोस्तों यहाँ नीचे पे है ये छोटा सा पार्क, और ये इधर पे नियर ये गैस गोदाम, ये पिथौरागढ़ का वो सामने पे, और देख रहे होंगे आप ये पूरे पाइन वुड चीड़ के जंगल से घिरा हुआ, यहाँ पे छाया हो रही ना, काफ़ी ठंडक के लिए यहाँ पे पार्क में आने के बैठने काफ़ी अच्छा है। ये पार्क में डंबल है हरू भाई जो है 10 केजी 10 केजी 20 केजी का उठाने की कोशिश कर रहा है, आदमी उठा रहा है। ये देखिए दोस्तों ये दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में अवश्य अपनी प्रतिक्रिया दें लिख के जो है कमेंट में। तो ये चीज़ें भी हमको पता चलेंगी। तो आप लोगों को दिखाया था, उसका नाम रखा मैंने रेड जाइंट, जो फैक्ट्री थी ना पर बंद हो गई है। तो अभी हम आ चुके भाई के रूम पे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो के साथ। फिर उसके बाद हम फैक्ट्री से ऊपर जाएंगे चंडाक को, फिर वो भी कवर किया जाएगा।